तो दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। और आज हम निकल चुके हैं सोनमर्ग से श्रीनगर के लिए, और तो चलते हैं श्रीनगर और आपको दिखाते हैं श्रीनगर के नज़ारे। ये है डल लेक का सीन, और यहाँ पे सारे गेट्स बने हुए हैं। तो ये देखिए राइड है गेट नंबर 7। ये लिस्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जेके शिकारा की, और ये है शिकारा, इसमें हम लोग जाएंगे। और ये देखिए हमारी शिकारा राइड, और काफ़ी खूबसूरत शिकारे हैं यहाँ पे। और ये देखिए आराम से आप श्रीनगर में आए तो शिकारा राइड ज़रूर करें एक बार। और यहाँ पर देखो ये कुछ दिखा रहे हैं, आप अगर इस तरह की फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना चाहें तो यहाँ की लोकल जो पोशाक है उसमें आप करा सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर कुछ आप लेडीज़ के लिए सामान लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, तो मतलब चलते हुए शिकारे में आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये आप देखिए इधर ये हाउस बोट है ना, ये सामने हाउस बोट हैं, इनमें आप रह भी सकते हैं रुक भी सकते हैं। क्या है ये आपका? कश्मीरी गुलबदन सर। कश्मीरी गुलबदन कितने का दिया? 50 का है सर जी, केसर बादाम का। दे दो वजन को। लो जी ये केसर बादाम कर दो आप भी 50 सकते हैं। अगर होता था पहले ही बोलता था। देख लो आप, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे। ये देखिए ये वुडन का आइटम है, कश्मीर वुडन का आइटम देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बास्केट है, इसको फिर से ओपन करना ये ओपन होगा। ओके ओके, ये पड़ेगा सर। लो सर ट्राई करो। जी मेरे पास फूल का बीज। अच्छा बहुत खूबसूरत फ्लावर है ये देखिए। ये शिकारा है और ये सामने जो है ये हाउस बोट है। मतलब तो ये शिकारे का एक्चुअली सही प्राइस क्या है? प्राइस से अलग अलग होता है, अगर घंटे के हिसाब से होता है 800 रुपया। तो वो एक घंटे में क्या क्या आपके होता है? हमारे 4 पॉइंट होता है घंटे में, अगर पैकेज में होता है उसमें ज़्यादा होता है।
अच्छा पैकेज में अगर होता है उसमें हमारे चलाने में लगता है डेढ़ या पौने दो घंटा, तीन स्पॉट साइकिल उतरने के। अच्छा पैकेज में हो जाता है क्या क्या? तीन पॉइंट उसमें लगता है 1800 रुपया। अच्छा उसमें आएगा ये बाकी चार पॉइंट और नेहरू गार्डन, ओपन डल लेक, फ्लोटिंग मार्केट, वेजिटेबल लैंड, ये आता है इसके अलावा। जी 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 पैकेज में यही ऑप्शन होता है। ऑप्शन होता है क्या इस लेक का नाम? इस लेक का नाम है गुलफाम लेक। यहाँ पे एक सीरियल बन गया था गुलगुलशन गुलफाम 1982 में। जी जी और इंडिया में फेमस हो गया वो। ओके डीडी वन पर आ रहा था गुलगुलशन गुलफाम। तो ये गुलफाम लेक है। ये देख परिस्थ सानी ये है अकबर फोर्ट हरी पर्वत है और काफी ये देखिए जो पानी है वो नेचुरली है यहाँ पे, जो बारिश के बाद इस पे पानी इकट्ठा होता है। ये आ रही है एक, ये देखिए यहाँ भी ये कपड़े हैं। यहाँ पे दो तीन सेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। डल लेक का दृश्य काफी खूबसूरत दृश्य है। हमको शंकराचार्य जी का मंदिर दिखाने के लिए और इनके साथ हम मंदिर के रास्ते से जा रहे हैं। देखिए काफ़ी भीड़ है टूरिस्ट की, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो नज़ीर भाई कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? और ये है दोस्तों शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में। आइए चलते हैं। सीढ़ियाँ यहाँ पे 108 कितनी 244 सीढ़ियाँ हैं जब मंदिर का द्वार आएगा। चलते हैं भाई, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी सीढ़ी और रह गई मंदिर के लिए। ये देखिए मंदिर की तरफ जाते हुए, ये प्रवेश करते हुए शंकराचार्य जी के मंदिर में। और ये देखिए आप शंकराचार्य जी के मंदिर में, ये देखिए शंकराचार्य जी की मूर्ति ये लगी हुई है यहाँ पे। और ये मंदिर की तरफ जाते हुए ये देखिए मंदिर का दृश्य शंकराचार्य जी के। ये देखिए शंकराचार्य जी के मंदिर में जाते हुए ऊपर। शंकराचार्य जी का मंदिर है। श्री शंकराचार्य जी टेम्पल वाला वेट कर रहा नीचे, काफी देर हो गई। ठीक है ठीक है। देखिए शंकराचार्य जी का तपस्या स्थल। चलो चलो निकलो निकलो निकलो। हाँ हो गए सर, 200 तो बिल्कुल हो गए। अच्छे से कर लिए फोटो वोटो सब खींच ली। ये है देखिए शंकराचार्य मंदिर का आर्किटेक्ट, काफी पुराने पत्थरों से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये झील है, इसे जल मिल जाते हैं।
और ये है श्रीनगर का डल लेक का दृश्य। आप मंदिर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये गौरी कुंड जाने का रास्ता मिलेगा।